क्या देख रहे हो? अपनी खुशकिस्मती, पता है नताशा, सच में ऐसा लगा था कि तुम हमेशा हमेशा के लिए चली गई हो। पता है नताशा, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था और मेरी आंखों के सामने सब कुछ जा रहा था, चाहकर भी किसी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा था। एक वक्त तो ऐसा लगा कि शायद कभी मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा अगेन। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? ड्रामा? तुम्हें वो सब कुछ ड्रामा लग रहा है? मैं वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ यार। फरहान, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, हूँ पागल, लेकिन इतना जानता हूँ कि सही जगह पे पागल। कहा ना, तुम बस पागल हो। आजकल तो सिर्फ आपको नहीं, सब लोगों को ही पागल लग रहा। अच्छा, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा फरहान, क्या मैं सच में तुम्हारी जिंदगी में पहली लड़की हूँ? नताशा, पहले कौन था, क्या था, इन सब के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस शिद्दत से तुम्हें चाहा है, कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, आई मीन ऑल द गाइज दैट आई नो, सबकी एटलीस्ट दो या तीन गर्लफ्रेंड्स तो रह चुकी होती हैं। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल नाउडेज। वेल, मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, मैं तो खुली किताब हूँ। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो यू कैन इवन आस्क अपार। इसका तो नाम ना लिया करो। शायद तुम उसे भूल नहीं सकती क्या? आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत टफ है उस सारी सिचुएशन से निकलना, लेकिन जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम हेयर, आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद यू। और इस वक्त में मुझे लगता है कि मैं जितना तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम उतना ही अच्छा फील करोगी, और आई एम श्योर मेरी मोहब्बत में उसकी कभी याद नहीं आने देगी। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो, कहाँ से सीख के आए हो? ना कभी ऐसे पहले बातें आई, ना कभी फीलिंग्स, बस अब जो फील होता है वो बस बोल देता हूँ। देखिए फातिमा फेंग पीर से जुम्मा रात 7 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।